पहले होना चाहिए कि गुरु दक्षिणा कितनी, बिकॉज एक अच्छा गुरु मिलना इटसेल्फ इज़ अ बिग डील, राइट। हमने गुरु दक्षिणा कितनी दी है, राइट। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कितनी दी है, मैं उन्हें ये बताऊंगा कि टिपिकली वो कितना चार्ज करते हैं, बिकॉज रिमेंबर ये अपनी सारी पर्सनल ट्रेनिंग छोड़ के मेरे पास आते हैं फॉर 3-4 आवर्स, 3 से 4, कहाँ से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स वन वे ट्रैवल करके फिर 30 किलोमीटर्स वापस जाएँ। तो आप सोच सकते हो कि इनका कितना एफर्ट होगा इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में, मेरे से ज़्यादा एफर्ट, तो मेरे से ज़्यादा नहीं तो अगर मेरे जितना ही एफर्ट भाई का भी होगा। तो आप सोच सकते हो कि इनका कितना एफर्ट होगा इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में, मेरे से ज़्यादा एफर्ट, तो मेरे से ज़्यादा नहीं तो अगर मेरे जितना ही एफर्ट भाई का भी होगा। बोला ये आप भी देखिए, कैक बॉडी बनाने में कोच की मेहनत लगती है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कोच एफर्ट डाल रहे हैं बट अगर स्टूडेंट वो रिटर्न नहीं देंगे तो कभी भी वो बॉडी निकल के आ ही नहीं सकती। कभी भी बॉडी को एक्सप्लॉइट मत करो ये बता के कि ये मैंने बनाया है, एक्सप्लॉइट मत करो। अगर आपने बनाया है और वो मेहनत निकल के आई है तो अपने आप सब देखेंगे। एंड एक स्टूडेंट की उतनी ही उतनी मेहनत है जितनी कोच की है, अगर दोनों की मेहनत कंबाइंड नहीं होगी तो कभी भी रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। तो सिर्फ एक कोच आपको कराने वाला नहीं होता, करने वाले में भी दम होता है भाई।